किसी भी की मौत हो तो निश्चित रूप से यह दुखद है, पीड़ादायक घटना है। लेकिन अब सब लोगों को समझना चाहिए, शराब पीने से हानि ही हानि है। कोई अभी का अभी मर जाता है, कोई कुछ सालों के बाद बीमारी से ग्रस्त होकर मरेगा। तो शराब वर्जित करना चाहिए, लोगों को नहीं पीना चाहिए, सब लोगों से आग्रह है और आप लोगों से भी, तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कि समाज के लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि लोग पीने की आदत को त्यागें। जनता दल के लोग कह रहे हैं कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी अगर कानून नहीं सफल हो रहा है तो कुछ संशोधन कर देनी चाहिए। देखिए, कहीं भी कोई कानून है, हत्या के खिलाफ भी कानून है, तो क्या दुनिया का कोई देश, हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहां कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई? इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए इसकी जरूरत है, लेकिन इसमें भी जब तक आम लोगों का ठीक से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ सरकार के बूते यह काम संभव नहीं हो सकता। दो राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार में बाईपोल्स भी है सर। हाँ ठीक है, चुनाव है, अब चुनाव सब लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी देंगे, जनता के हाथ में है, जनता फैसला करेगी। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से पहले से मीडिया से लेकर एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे थे लोग, और रिजल्ट जो जनता ने दिया वही रिजल्ट सबके सामने है, तो इसी तरह का रिजल्ट आगे के चुनाव में झारखंड हो बाकी जगह आएगा। शराबबंदी फेल का देखिए, शराबबंदी 100% तब सक्सेस होगी जब आम लोगों का सहयोग मिलेगा, सब लोगों का सहयोग मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार के बूते यह काम 100% सफल हो जाए यह नहीं संभव है।